ज्वेलरी निर्माता कंपनी तनिष्क के एक विज्ञापन को लेकर देश भर में मचे बवाल का असर इंदौर में भी नजर आया। गुरुवार को इंदौर में सभी तनिष्क शोरूमों के बाहर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। देखिए इस रिपोर्ट में। देश की जानी मानी ज्वेलरी निर्माता कंपनी तनिष्क के एक विज्ञापन पर इतना बवाल मचा कि कंपनी को अपना विज्ञापन वापस लेना पड़ा। कंपनी प्रबंधन ने इसके लिए जनता से माफी भी मांगी है। गुरुवार को इंदौर में भी तनिष्क के तीनों शोरूम के बाहर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान मंच ने शोरूम संचालकों से शोरूम के बाहर और अंदर माफीनामा लगाने की मांग की। और ये क्षमा पत्र आप अपने शोरूम में अंदर और बाहर दोनों तरफ लगाइएगा, है ना। टाटा तनिष्क हमारा अपना ब्रांड है और हिंदुओं के लिए इस प्रकार का कुठाराघात अब आगे से ना हो, इस बात की बिल्कुल हाथ जोड़ के वो है ये लगा लीजिएगा साहब। इस बात का बहुत विनम्र आग्रह है, कल हम फिर आके चेक करेंगे, है ना। हिंदू जागरण मंच के मालवा प्रांत के प्रचार प्रमुख राजपाल जोशी ने विज्ञापन को जिहादी बताते हुए इसे हिंदू समाज पर कुठाराघात करार दिया। हम यहां पर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहने के लिए आए हुए हैं। हिंदू जागरण मंच इंदौर विभाग द्वारा तीनों तनिष्क शोरूम के ऊपर शांतिपूर्वक तरीके से एक पत्र दिया गया है, जिसके अंदर उनसे आग्रह किया गया है कि आप एक माफ़ीनामा के रूप में अपने शोरूम के अंदर एवं बाहर उस माफ़ीनामे को लगाएं, क्योंकि एक ऐड प्रदर्शित किया गया था एक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति के द्वारा, जिसने तनिष्क को एवं हिंदू समाज के ऊपर उनके मान बिंदुओं के ऊपर कुठाराघात किया था। हमारी मांगनी थी कि साहब आप क्षमा प्रार्थी रहें पूरे हिंदू समाज के ऊपर, एवं आपने जो ये कार्य किया है उसको नौकरी से निकाल कर वो आप बड़ा अप्रिशिएबल है, इसलिए हमने उनको भगवा ध्वज से उनका स्वागत किया। शोरूम की तरफ से हमको आश्वासन दिलाया गया कि साहब आगे से ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, हिंदू समाज के मान बिंदुओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा एवं ये क्षमा पत्र यहाँ पर लगाया जाएगा। दरअसल तनिष्क के एक विज्ञापन को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि इससे कथित तौर पर लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा। सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग के बाद तनिष्क ने उस विज्ञापन को वापस ले लिया और जनता से माफी भी मांगी। इंदौर से एमपी न्यूज के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।